आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। जिला टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कराया जा रहा है टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता में पांचवे दिन सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले गए। साथ ही फाइनल मैच ग्रीन मेडोजा और सेंट मैरी एकेडमी के बीच खेले गए। ग्रीन मेडोजा ने पहले टॉस जीतकर निर्धारित 10 ओवर में 84 रन बनाए। योगेश ने सर्वाधिक 28 रन बनाए। विकेट सैफुल्ला और मोहित ने दो दो विकेट लिए। सेंट मैरी की टीम को 74 रन पर ऑल आउट कर दिया। बालिका वर्ग में फाइनल मैच आरएसडी और ग्रीन मेडोजा स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें आरएसडी ने पहले खेलते हुए 40 रन बनाए और ग्रीन मेडोजा की टीम को 25 रन पर ऑल आउट कर दिया गया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सीडब्ल्यूसी मेंबर नीतू सक्सेना रही। उन्होंने बच्चों को प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण किए और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में हर्ष, विवेक, अनुराग, मोहित, ऋषि और आकाश रहे। प्रतियोगिता के सफल बनाने में विभिन्न स्कूलों के शारीरिक शिक्षक सचिन, विपिन, जखमोला, कंचन सिंह आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता का सफल संचालन रोहित हंस द्वारा किया गया। कौन सी टीम की थी आप? सर, अंडर से खेली थी आप? अंडर 15। आपकी टीम विजेता जाइए? यस सर। कैसा महसूस कर रही है आपकी टीम जीतने का? सर, बहुत अच्छा। आप टीम के क्या थी? सर, कैप्टन। थैंक। देखिए, जिला मुरादाबाद टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में ये जिला स्तरीय टेनिस प्रतियोगिता अंडर 17 कराई गई, जिसमें मुरादाबाद से लगभग 20 स्कूल की टीम ने प्रतिभाग किया, जिसमें गर्ल्स में थर्ड पोजीशन सीएनएस एकेडमी, सेकंड पोजीशन ग्रीन रूरल स्कूल और विनर आरएसडी एकेडमी रही। और इसी तरह बॉयज कैटेगरी में थर्ड पोजीशन एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल, सेकंड पोजीशन सेंट मीरा और फर्स्ट पोजीशन ग्रीन रूरल स्कूल की रही। टीम को एक तो यहाँ पर पुरस्कार वितरण किए गए, साथ ही विजेता और उपविजेता दोनों टीमों को ही स्टेट लेवल के चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है, जिसमें ये आगे हमारी जो राज्य स्तरीय प्रतिभा है उसमें प्रतिभा।